दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज हम लाइब्रेरी साइंस का यूनिट थर्ड शुरू करते हैं। यूनिट 3, लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, पुस्तकालय लिए प्रशासन और प्रबंध। प्रशासन किस तरह कार्य करता है और प्रबंध किस तरह कार्य करता है, इन दोनों का सम्मिलित रूप ही यूनिट थर्ड के रूप में हमको दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं हम प्रबंध क्या है और इसका मैनेजमेंट किस तरह होता है। तो पुस्तकालय प्रशासन एवं प्रबंध, सबसे पहले देखें मैनेजमेंट। मैनेजमेंट वर्ड किससे बना हुआ है, तो सबसे तीन अक्षर ये आगे वाला उठाओ, मैनेज, MANAG, मैनेज प्लस मैन प्लस टी। मैनेज का अर्थ है व्यवस्था, मैन अर्थ है व्यक्ति, और टी का अर्थ है टैक्टिफुली, TACT, टैक्टिफुली, टैक्टिफुली। ये मतलब बोलता है हिंदी में, इसको बोलते हैं कुशलता पूर्वक। ये है मैनेजमेंट का अर्थ। मैंने इसका अर्थ बताया है तीनों का, मैनेजमेंट वर्ड का, के मैनेज प्लस मैन प्लस टी, तीन शब्दों ने मिलकर बना हुआ है। इसका अर्थ होता है व्यक्तियों की कुशलता पूर्वक व्यवस्था करना, ही क्या कहलाता है प्रबंध। तो आज परिभाषा लिख दो, व्यक्तियों की कुशलता पूर्वक व्यवस्था करना ही क्या है, प्रबंध कहलाता है। सबसे पहले प्रबंध विचारधारा का जन्म कब हुआ, तो 19वीं शताब्दी के अंदर प्रबंध विचारधारा का जन्म हुआ था। तो प्रबंध विचारधारा का जन्म 19वीं शताब्दी में हुआ था, हुआ। तो प्रबंध विचारधारा का पूछे जन्म कब हुआ था, तो 19वीं शताब्दी के अंदर। सबसे पहले हमने पढ़ा प्रबंध का अर्थ और प्रबंध की विचारधारा कब हुआ था, तो 19वीं शताब्दी के अंदर। तो अब शुरू करते हैं, 1910 के अंदर लुईस बोर्ड नाम का वैज्ञानिक था, उन्होंने वैज्ञानिक शब्द का, प्रबंध वैज्ञानिक शब्द का प्रयोग किया था। वैज्ञानिक प्रबंध शब्द का प्रयोग कब किया, 1910 के अंदर, किसने किया था, लुईस बोर्ड ने। तो लिखते हैं 1910 में लुईस बोर्डन ने वैज्ञानिक प्रबंध शब्द का प्रयोग किया। क्वेश्चन आ जाए वैज्ञानिक शब्द का प्रयोग कब किया, वैज्ञानिक प्रबंध, तो 1910 में किसने किया था, लुईस बोर्डन ने किया था। प्रबंध पर पहली बुक किसने आई, तो 1911 के अंदर, 1910 की डेट हमने लिख ली, 1910 के बाद आती है 1911। F.W. टेलर नाम का एक वैज्ञानिक था, इसने एक बुक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ इंडस्ट्रियल, क्या लिखी थी, प्रिंसिपल ऑफ इंडस्ट्रियल। तो ये भी हम लिखते हैं, F.W. टेलर TAYLOR टेलर ने प्रिंसिपल ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट नामक पुस्तक लिखी। सबसे पहले पुस्तक पूछ ले, 1911 के अंदर F.W. टेलर ने प्रिंसिपल ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ये बुक था, बुक का नाम क्या था, प्रिंसिपल ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, F.W. टेलर ने। इसी के अंदर 1915 में हेनरी फ्योर का नाम पुस्तकालय के अंदर बहुत बार आपको मिलेगा, इसी चैप्टर में बहुत ज्यादा बार मिलेगा। हेनरी फ्योर ने कुछ नहीं किया, इसके आगे जनरल लगा दिया, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। 1915 में
हेनरी फेयोल ने जनरल एंड, इसका क्या लगा दिया, जनरल एंड, वापस वही इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। नामक पुस्तक लिखी, क्वेश्चन आ जाए। 1911 के अंदर टेलर ने लिखी प्रिंसिपल ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, और 1915 के अंदर हेनरी फेयोल ने जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक। ये दो पुस्तकें थी, सबसे पहले प्रबंध की, सबसे पहले टेलर ने और इसके बाद हेनरी फेयोल के ने। इसके बाद हम बात करें तो पुस्तकालय, इसके अंदर परिभाषा आती है प्रबंध की, के प्रबंध की परिभाषा अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग दी। तो सबसे पहले हम प्रबंध की परिभाषा के अंदर, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है हेनोल्ड कुंटज की, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर बार क्वेश्चन मिल जाएगा आपको हर एक दूसरे एग्जाम के अंदर इसका। परिभाषा सबसे पहली परिभाषा किसी किसकी है, हेरोल्ड कुंटज की। तो लिखते हैं अपन प्रबंध औपचारिक रूप से, संगठित समूह के साथ कार्य करने की कला है। इसको आप एक ही वर्ड पकड़ो, क्या, औपचारिक रूप से अनुबंध, क्या, औपचारिक रूप से संघ के साथ कार्य करने की क्या है, कला है। ये तो सबसे पहले परिभाषा हेनोल्ड कुंटज की। इसके बाद परिभाषा आता है हेनरी फेयोल की। हेनरी फेयोल का बहुत बार नाम मिलेगा, मैंने पहले ही बताया था। हेनरी फेयोल ने क्या क्या, प्रबंध का आशय क्या है, पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, व्यवस्था करना, निर्देशन देना, समन्वय करना और नियंत्रित करना है। इसके अंदर हेनरी फेयोल ने प्रबंध के जो कार्य बताए थे वो ये अपनी परिभाषा के अंदर बताए थे। तो हम लिखते हैं हेनरी फेयोल के अनुसार, अनुसार प्रबंध का आशय पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, निर्देशन देना, व्यवस्था करना करना तथा नियंत्रण करना। हेनरी फेयोल ने क्या किया, प्रबंध का आशय पूर्वानुमान, योजना, निर्देशन, व्यवस्था, समन्वय और नियंत्रण। इसने जो प्रबंध के कार्य बताए थे, प्रबंध के इसने 5 कार्य बताए थे, उन्हों को इसके अंदर सम्मिलित कर लिया गया। प्रबंध के कार्यों को इसके अंदर इसने सम्मिलित कर दिया गया। इसके बाद परिभाषा आती है पीटर एफ ड्रकर की। इसने, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इसने क्या कहा, प्रबंध एक बहुउद्देशीय तंत्र है। क्या बताया था, प्रबंध एक बहुउद्देशीय तंत्र है जो व्यवसाय का क्या करता है, प्रबंध करता है। एक छोटी सी परिभाषा है इसकी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पीटर एफ रखा क्या क्या है, प्रबंध बहुउद्देशीय तंत्र है। प्रबंध एक बहुउद्देशीय तंत्र है जो व्यवसाय का प्रबंध करता है। क्या
कहा था, प्रबंध एक बहुउद्देशी तंत्र है जो व्यवसाय का प्रबंध करता है। ये परिभाषा था पीटर है डरकर की। तो स्टेल वेस्ट के अनुसार लिखे थे, स्टेल वेस्ट ने क्या प्रबंध निर्णय लेने और नियंत्रण करने की विधि है, तो ये भी लिख लेते हैं। अनुसार प्रबंध है, ये हुई परिभाषा अपनी प्रबंध की जो हमने परिभाषा लिखी थी, चार परिभाषा। ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन आ रखे हैं हमको, इन के बारे में हमने बात की। इसके बाद आते हैं प्रबंध के सामान्य सिद्धांत। एक तो आते हैं हेनरी फ्योरेल के 14 सिद्धांत, एक आते हैं प्रबंध के सामान्य सिद्धांत। सामान्य सिद्धांत में कुछ नहीं है, मैं एक बार बोल देता हूँ, आप लिख लो। जैसे प्रबंध की योजना बनाना, सामान्य सिद्धांत में क्या है, योजना का सिद्धांत। सबसे पहले आता है योजना का सिद्धांत। दो नंबर आता है वैज्ञानिक चयन, क्या आता है, वैज्ञानिक चयन या वैज्ञानिक सिद्धांत। तीसरा आता है उत्तरदायित्व, उत्तराधिकारी और उत्तराधिकारी का निर्धारण। तीसरा आता है उत्तराधिकारी निर्धारण। चौथा आता है प्रभावपूर्ण समन्वय। पांचवा आता है प्रभावपूर्ण संगठन, समन्वय हो गया, संगठन हो गया, और समान व्यवहार और इसका स्वच्छ वातावरण, ये होता है प्रबंध के सामान्य सिद्धांत। अब आते हैं हेनरी फ्योरेल के प्रबंध के 14 सिद्धांत है, उन्होंने क्या क्या बताए थे। इसके बाद हम बात करें तो प्रबंध के जो 14 सिद्धांत है हेनरी फ्योरेल के, हम उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला है कार्य का विभाजन। कार्य का विभाजन होना चाहिए, अधिकार है उत्तरदायित्व का, उत्तरदायित्व होना चाहिए, जो भी कार्य करे उसका उत्तरदायित्व होना चाहिए कि ये मैंने किया गया। अनुशासन होना चाहिए, आदेश की एकता, निर्देश की एकता, पारिश्रमिक और केंद्रीय और विकेंद्रीकरण होना चाहिए। इसके अनुसार अगला है ये होना चाहिए। इसके बाद हम बात करें, इसके लिए ये हो गया हमने 8 नंबर है समानता का अधिकार। 10वां नेतृत्व है। 11 कार्य का विशिष्टीकरण। 12वां है एस्टिडा क्रॉप, सबसे इम्पोर्टेंट हर बार क्वेश्चन आता है एस्टिडा क्रॉप, इसका अर्थ है समूह की भावना, समूह की भावना। 13 है कार्यकाल में स्थिरता होनी चाहिए, ऐसे नहीं है आज कार्य किया 10 दिन के उसके बाद निकाल दे, नया कर्मचारी लेकर जाए। और 14वां है व्यक्तिगत हित के बजाय समान हित होना चाहिए। इसके अंदर ये कई क्वेश्चन नहीं आएगा कौन सा 14 सिद्धांत नहीं है, इसके अंदर इम्पोर्टेंट एक तो ये एक्सडा करो, ये जरूर याद कर लेना। एक होता है इसके अंदर संगला, ये जरूर याद करना। और एक आदेश की एकता और निर्देश की एकता, ये दोनों, ये चार पांच ही है जो हमको इस 14 सिद्धांत के अंदर याद करना है। फिर आता है प्रबंध के बाद प्रशासन। प्रशासन क्या है, प्रबंध हमने पढ़ दिया, प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। अब आता है प्रशासन। तो सबसे पहले प्रशासन है तो 1923 के अंदर एक वैज्ञानिक था ओलिवर सेल्डन, इसने क्या प्रशासन को क्या बताया था, निर्णयात्मक कार्य बताया। तो 1923 प्रशासन को प्रबंध को कहा 1923 के अंदर ओलिवर सेल्डन ने प्रशासन को क्या बताया था, निर्णयात्मक, और प्रबंध को क्या बताया था, निष्पादन कार्य बताया था। ये सबसे पहले ओलिवर सेल्डन ने बताया था।
इसके बाद हम देखें तो प्रबंध के द्वारा क्या किया जाता है, नीतियां बनाई जाती है। प्रबंध क्या बताती है, नीतियां, जबकि प्रशासन उन नीतियों को क्रियान्वित करता है। तो ये लिख लेते हैं, प्रबंध द्वारा नीतियां बनाई जाती है। जबकि प्रशासन क्या करता है, उसका प्रशासन उनको क्रियान्वित करता है, करता क्रियान्वयन का मतलब उनको लागू करता है। प्रशासन प्रशासन क्या करता है, उनको लागू करता है। ये था हमारा प्रशासन के। हेनरी फेयोल ने प्रशासन के पांच कार्य बताए थे। कितने कार्य बताए थे, पांच कार्य बताए थे प्रशासन के। तो हम फिर लूथर गुलिक और उरिक ने प्रशासन के सात कार्य बताए थे, हम उनको लिखते हैं। हेनरी फेयोल ने प्रशासन के पांच कार्य बताए। पांच कार्य कौन कौन से है वो हम लिख, नियोजन करना, दूसरा है संगठन ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है निर्देशन, चौथा है नियंत्रण, पांचवा है समन्वय। ये हेनरी फेयोल ने प्रशासन के पांच कार्य बताए थे। इसको अलग अलग कार्य बताए थे, ये पांच कार्य, नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय। ये कार्य अगले लूथर और गुलिक के अंदर, उनके अंदर भी ये कार्य है, और उन्होंने दो तीन एक्स्ट्रा और बता दिए थे। फिर हम लिखते हैं लूथर और गुलिक। लूथर गुलिक में उरिक ने प्रशासन के सात कार्य बताए थे। कब बताए थे, 1937 के अंदर। लूथर गुलिक वे उरिक ने प्रशासन के कार्य बताए 1937 में। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, उसी के अनुसार ये प्रशासन के क्या लिखा था, सात कार्य पोस्ट कार्य का सिद्धांत। तो इसके अंदर अपन लिखते हैं पी, उसमें एक कार्य, एक फॉर्म, इन्होंने एक सूत्र बता दिया, POSD, POSD, COR, B। बिल्लू आप कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये सात कार्य बताए थे। इनके हम फुल फॉर्म लिख लेते हैं एक बार। पी का मतलब होता है प्लानिंग, प्लानिंग का मतलब नियोजन। ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, मतलब संगठन। एस का मतलब स्टाफिंग, मतलब स्टाफ चयन। बी को मतलब डायरेक्शन, मतलब निर्देश देना, निर्देशन, निर्देश देना। सीओ मतलब कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब समन्वय। ये बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है कोऑर्डिनेशन की क्या है, क्योंकि इसका लोग गलत कर देते हैं, इसका अर्थ होता है समन्वय। आर का मतलब रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग मतलब रिपोर्ट देना। और डी का मतलब बजटिंग, मतलब बजट बढ़ाना। ये था लूथर गुलिक और उरिक ने 1937 के अंदर सात कार्य बताए दिए, POSD COR B। पी का मतलब प्लानिंग, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, एस का मतलब स्टाफिंग, डी का मतलब डायरेक्शन, सी का मतलब कोऑर्डिनेशन, आर का मतलब रिपोर्टिंग और बी का मतलब बजटिंग। ये बताए थे लूथर और गुलिक ने 1937 के अंदर। हेनरी फेयोल ने भी ये सेम के देख लो पांच लगभग ये इसके अंदर पी ओ डी कंट्रोलिंग, ये इसके अंदर नहीं है। कंट्रोलिंग मतलब नियंत्रण,
और सामान्य मतलब कोऑर्डिनेशन, ये बताए थे अपने हेनरी फेरल ने, पी ओ डी सी ओ सी सी ओ ये होता है, इसके पांच कार्य, और पी ओ एस टी सी ओ आर भी ये होता है लूथर गुलिक और उडवरिक के सात कार्य। इसके अंदर बात करें तो टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध को पिता कहा जाता है। टेलर को क्या कहता है, क्वेश्चन बहुत बार मिल जाएगा, वैज्ञानिक प्रबंध का पिता का किसको कहा जाता है, तो टेलर को, और हेनरी फेयर को प्रबंध का पिता कहा जाता है। दोनों वर्ड देखो, एक तो है वैज्ञानिक प्रबंध और एक प्रबंध। टेलर को क्या कहा जाता है, वैज्ञानिक प्रबंध का पिता कहा जाता है, और फेयर को प्रबंध का पिता कहा जाता है। टेलर है वही, टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का पिता कहा जाता है, और फेयर को प्रबंध का पिता का कहा है। प्रबंध का पिता कहा जाता है, ये था टेलर और फेयोल। दोनों का अलग अलग है, दोनों का इस प्रबंध के अंदर बहुत बड़ा योगदान है। तो वैज्ञानिक प्रबंध हो गया और प्रबंध, दोनों का अलग अलग हो गया। फिर प्रबंध प्रक्रिया के कितने चरण हैं, तो बहुत बार क्वेश्चन आएगा, तीन चरण है प्रबंध प्रक्रिया, मतलब प्रबंध की कोई भी कार्य कराने के लिए तीन चरण है, प्रबंध प्रक्रिया के तीन चरण, प्रबंध प्रक्रिया के तीन चरण। बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है, तीनों चरण लिख लेते हैं, एक नया चरण, चार ऑप्शन होते हैं, चार ऑप्शन लिख लेते हैं, कौन सा इसमें से प्रबंध प्रक्रिया का चरण नहीं है, यही पूछते हैं हर बार, हर दूसरे या तीसरे एग्जाम के अंदर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, प्रबंध प्रक्रिया के क्यों ये तीन चरण है, चार ऑप्शन बनते हैं, एक ऑप्शन दूसरा लगा देते हैं और चारों के अंदर छांटो। तो प्रबंध प्रक्रिया के कितने चरण है, तीन। सबसे पहला है नियोजन, दूसरा है नियंत्रण, और तीसरा है क्रियान्वयन। प्रबंध प्रक्रिया के कितने चरण है, नियोजन, नियंत्रण, क्रियान्वयन। इसको हम अगर शॉर्टकट में लिखे तो लिख सकते हैं पी सी, पी को मतलब प्लानिंग, सी का मतलब कंट्रोलिंग मतलब नियंत्रण, पी सी क्रियान्वयन। ये वर्ड आप याद कर लो, प्रबंध प्रक्रिया के तीनों चरण याद हो जाएंगे, पी सी क्रियान्वयन। क्या करना है पी सी का, पी सी मतलब लैपटॉप, लैपटॉप का क्रियान्वयन करो, पी सी क्रियान्वयन, ये होता है प्रबंध प्रक्रिया के तीन चरण। इसके बाद हम देखेंगे पुस्तकालय विभिन्न विभाग, आज के लिए हमने इतना ही किया है, और अगले वीडियो के हम नया एक इसके अंदर आगे पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे पुस्तकालय के विभाग, कितने कितने पुस्तकालय के विभिन्न विभाग है, जैसे अर्जुन विभाग है, तकनीकी विभाग है, आदान प्रदान संदर्भ विभाग, पत्र पत्रिका विभाग है, ये जो जितने भी विभाग है इसको हम पढ़ने का पूरा प्रयास करेंगे और डीप से पढ़ेंगे इनको। ये था हमारी आज की क्लास, और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक सभी को जय श्री कृष्णा।